हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका जाखड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाबी पेपर ए के लिए आपको लास्ट के कुछ घंटों में कौन कौन से टॉपिक्स पे अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि देखिए काफ़ी बार स्पेशली फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ, और फीमेल कैंडिडेट में भी अगर आप ऐसी फीमेल कैंडिडेट हो जो कि मैरिड है, एक जॉइंट फैमिली में रह रही है, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि जो भी सिलेबस गिवन हो उस पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाना। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरी के कुछ घंटों में आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको बिल्कुल पढ़ के जाने चाहिए। और मैं आपको बिल्कुल इंश्योर करवाती हूँ कि अगर आखिरी के कुछ घंटों में अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो भी अगर आखिरी के कुछ घंटों में अगर ये टॉपिक आप पढ़ के जाते हो तो आपका एग्जाम 101% क्वालिफाई होगा। ये ऐसे टॉपिक है जिसमें से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऐसे टॉपिक है जो कि आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कवर भी कर सकते हो। इसके साथ ही हम उन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे जो कि अभी आपको लास्ट के टाइम में बिल्कुल भी टच नहीं करने हैं, जो आपको बिल्कुल भी स्टडी नहीं करने हैं। अगर आपने पहले कर रखे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर रखे तो आपको अब तो बिल्कुल भी इन टॉपिक को टच नहीं करना। इन सब पे हम बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए देखिए जितना इम्पोर्टेंट है हमें ये पता हो कि हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमें कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने, तभी हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और सबसे बात देखिए बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पे ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, मतलब आपको जस्ट 50% स्कोर करना है। तो 50% स्कोर करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करते हैं कि ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स देखने हैं, क्योंकि देखिए अभी क्या है, अभी आपके पास कुछ RC है। अगर हम एक राउंड फिगर में भी लेके चले, अप्रोक्सीमेट में भी लेके चले, तो देखिए आपके पास क्या है, अभी 30 to 35 hours का टाइम पीरियड है, ठीक है। 35 hours में भी देखिए अभी आपको खाना पीना धोना नहाना घूमना कहीं जाना ये सब काम भी करने हैं। तो ऐसे में कुल मिला के भी हम एक राउंड फिगर में चले तो आपके पास 20 hours ही है फॉर योर स्टडी। स्टडी के लिए 20 hours ही है मैक्सिमम आपके पास। इन 20 hours में जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक माइलस्टोन की तरह काम करेंगे, वो आपके लिए डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 20 hours में लास्ट के आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ के जाने हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। सबसे पहले ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है भाषा अति उपभाषा। ये टॉपिक आप सभी को बिल्कुल पढ़ के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी टॉपिक है। अगर आप ये टॉपिक पढ़ोगे किसी भी बुक से तो आपको हार्डली 1 hour का टाइम लगना है इस बुक को पढ़ने के लिए, इस टॉपिक को सॉरी पढ़ने के लिए, इस टॉपिक को आप 1 hour में कवर कर सकते हो, ठीक है। आगे है लिपि अति गुरमुखी लिपि। ये टॉपिक भी बहुत इजी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जिसमें से आप कोई भी एग्जाम उठा लो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। तो ये टॉपिक बहुत इजी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक भी आपको जरूर करना है और हार्डली 1 hour का आपको इसमें भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं टाइम भी बता रही हूँ आपको साथ साथ में, थोड़ा सा इससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि जब भी ये टॉपिक आप पढ़ो तो आपको कितना टाइम देना है एटलीस्ट। और ये जो टाइम है ये देखिए वेरी कर सकता है, अगर आपने पहले ये टॉपिक पढ़े है तो हो सकता है आपको इससे बहुत कम टाइम लगे, और अगर आपने पहली बार ये टॉपिक पढ़े तो भी एक आइडल टाइम है कि ये टाइम तो आपको लगेगा, ठीक है। ये हम एक आइडल टाइम लेके चल रहे हैं, किसी को कम या ज़्यादा अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये अप एंड डाउन हो सकता है। नेक्स्ट है धुनी बोध। धुनी बोध ये तो देखिए मेरी तरफ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात देखिए इस टॉपिक में से बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि डायरेक्टली रूट लर्निंग पे बेस्ड होंगे, मतलब आपको डायरेक्टली इनके आंसर लर्न करने होंगे, बट ये है कि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामेटिकल पोर्शन में। तो ये टॉपिक तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए आप 2 hours का टाइम लेके चल सकते हो कि 2 hours में टॉपिक कर सकते हो। तो इसके लिए देखिए मैंने जो भी अभी जो मैं बता रही हूँ आपको, ग्रामेटिकल पोर्शन हो चाहे लिटरेचर का भी मैं बताऊँगी अभी आपको, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बुक रिकमेंड की थी कि आप वो बुक पढ़िए, स्पेशली जो 9th-10th की ग्रामेटिकल बुक है वो पढ़िए। लिटरेचर के लिए मैंने बुक बताई है, सब मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है, आप बस उस बुक से इन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं पढ़ा है तो, पढ़ रखा है तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। आगे हम बात करते हैं शब्द बोध में। शब्द बोध देखिए काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आपको हर एक टॉपिक नहीं पढ़ना, आप तो पढ़ रखा है पहले अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो उन एस्पिरेंट के लिए बता देती हूँ आपको, आपको स्टार्टिंग में नाम प्रणाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण संबंधक योजक विषमक ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं बस। इसमें से आपको ये टॉपिक तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात बहुत ईजी टॉपिक है।
नाम प्रणाम तो इतनी इजी टॉपिक है कि आप इन्हें हार्डली 30 to 40 minutes के अंदर कवर कर लोगे, मतलब एक टॉपिक उठाओगे 30 minutes में ओवर, नेक्स्ट टॉपिक 30 minutes में, ऐसे करोगे तो आप बहुत बहुत इजी टॉपिक कवर कर लोगे। इस तरह से देखिए आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी करनी होगी अभी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा आपको अपनी स्पीड भी इन्हांस करनी होगी, बट ये टॉपिक है जो आपको बिल्कुल 100% करके जाने हैं, बहुत ईजी टॉपिक भी, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक भी है जो थोड़े से कन्फ्यूजिंग है बट आपको करने सभी होंगे। तो इसके लिए हम आइडल टाइम मान के चलते हैं कि 4 hours में आप ये टॉपिक कर लोगे, 4 hours एक स्टैंडर्ड टाइम हम मान के चलते हैं इन टॉपिक्स के लिए, क्योंकि अभी हम 20 hours के अकॉर्डिंग एक तरीके से हम टाइम डिफाइन कर रहे हैं कि 20 hours में आपको पूरी जो पूरा जो सिलेबस है उसे कवर करना है। आगे हम बात करते हैं वाकबोध में। वाकबोध देखिए काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें से आप चाहे स्किप कर सकते हो, बट एक पार्ट जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वो है सेंटेंस का डिवीजन, वाक का जो डिवीजन है, मतलब जो साधारण वाक है, मिश्र वाक है और जो संयुक्त वाक है, ये तीनों जो डिवीजन है ये आपको पढ़ के जाने हैं। आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि कोई सेंटेंस है आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का वाक है, या फिर हो सकता है आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले कि आपको जो मिक्स जो सेंटेंस है उसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कन्वर्जन के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें से आप कुछ ना करके सिर्फ वो टॉपिक तो जरूर पढ़ लीजिए, डिवीजन जो सेंटेंसेस की है, संयुक्त, साधारण और मिश्र वाक, ये टॉपिक पढ़ लीजिए, बाकी आप सभी टॉपिक इसमें स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में देखिए आपको काल, वाच, कारक और विराम चिन्ह, ये टॉपिक आपको करने हैं बस। बाकी जो ये टॉपिक है ये मैं क्यों नहीं बता रही, इसका भी अभी रीजन बताऊंगी मैं, बाकी ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल 100% पढ़ के जाने हैं। और ये देखिए अगर मैं बात करूँ विराम चिन्ह और कारक की, ये तो बहुत ईजी टॉपिक है। कारक के लिए तो जैसे आप बुक ओपन करोगे स्टार्टिंग में आपको एक टेबल गिवन होगी, बस वो टेबल याद कर लीजिएगा, हार्डली 15 to 20 minutes की वो एक टेबल है जो आपको टाइम लगेगा उसे लर्न करने में, बस वो पढ़नी है आपको, इसके अलावा कुछ ही मत खोलिएगा, आगे पेज भी आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस वो टेबल याद कर लीजिएगा। सेम रहेगा विराम चिन्ह के साथ भी, आप ये कर लोगे इजिली, तो ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। हम इसके लिए फिर भी देखिए एक आइडल टाइम ले लेते हैं कि कई कैंडिडेट ने पढ़े हो ना पढ़े हो, तो भी हम हार्डली लेते हैं 2 hours का टाइम, बस इतने में आप ये कवर कर लोगे। अब बात करते हैं कि ये टॉपिक क्यों नहीं पढ़ने आपको, लिंग, वचन, मुहावरे, ये सब। देखिए ये टॉपिक मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जिनकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे अगेतर, पिछेतर, जो वचन, विरोधी शब्द जो है, ये सब टॉपिक ऐसे टॉपिक है जिनकी कोई तो लिमिट नहीं है। आप जितना पढ़ोगे उसमें से पढ़े हुए में से आए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और एंड टाइम में देखिए जब कोई भी एग्जाम हो उसके कुछ टाइम पहले इस तरह के टॉपिक को उठाना बहुत बड़ी गलती होगी, आपको इन टॉपिक में आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, और आप जो पढ़ के जाओगे उसमें से क्वेश्चन देखने को मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बट जो अभी मैंने आपको टॉपिक बताया इसमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और नए सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे आप इजिली अटैम्प्ट भी कर पाओगे, और एट द एंड देखिए आप सभी को 50 score ही करना है, 50% स्कोर ही करना है आपको। तो ये टॉपिक आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा जो मैंने आपको बताया है, और ये अदर जो टॉपिक है आप बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, नहीं पढ़ रखे तो बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा, ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर आप ये टॉपिक अभी टच करते हो। तो ये मैंने ग्रामेटिकल पार्ट की मैंने बात की, ग्रामेटिकल पार्ट में कि कौन कौन की बात करें, टाइम रहेगा आपको 10 to 11 hours, ठीक है इतना। अगर कोई कैंडिडेट थोड़ा स्लो लर्नर भी है तो इसे मान लेते 12 hours लग सकते हैं, बस मैक्सिमम इतना टाइम होगा, तो 12 hours में आप अपना ग्रामेटिकल पोर्शन है उसे कवर कर सकते हो। लिटरेचर की हम बात कर लेते हैं आगे कि लिटरेचर के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। लिटरेचर के लिए सबसे पहले देखिए गुरमत काव्य, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ये आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेचर में। इसके लिए आप जो एक आइडल टाइम ले सकते हो वो 4 hours का टाइम ले सकते हो। देखिए टाइम मैंने पहले ही बताया वेरी कर सकता है, सभी कैंडिडेट की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है, एक स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम जो अदर जो राइटर है या फिर जो पोइट है उनकी अगर हम बात करें तो देखिए आपको भाई वीर सिंह को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना, पूरन सिंह जी को नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपको, तेजा सिंह जी बिल्कुल इनको करना आपको कवर, और कुलवंत सिंह वीर, ये आपको चारों भी आपको बहुत अच्छे से करने हैं। बाकी आप थोड़ा बहुत कहीं से भी अगर आप कोई भी जैसे कोई भी आपको लगे कि यहाँ से हमें एक ब्रीफ कोई भी टॉपिक मिल जाता है तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, बट ये जो चार है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखिए वैसे तो सभी है, बाकी इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये है तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। और अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हो, अगर बाकी जो टॉपिक मैंने बताया आप स्किप भी कर देते हो तो भी आप आराम से देखिए 50% स्कोर कर लोगे। अगर हम इन चार राइटर की और पोइट की अगर हम बात करें तो ये भी देखिए 4 hours का टाइम है, तो आप देख पा रहे हो कि अराउंड 18 to 20 hours में अराउंड के टाइम का एक टाइम पीरियड आपका बन के आ रहा है। इतने टाइम में आप सभी टॉपिक इजिली कवर कर लोगे। और मैंने पहले बताया कि आपको एक
टाइम पीरियड और एक टाइम मैनेजमेंट के साथ अभी लास्ट के कुछ घंटों में अपनी स्टडी करनी होगी। आप बस मेरे कहने से ही सही, आप ये टॉपिक पढ़ के चले जाइए, आपका एग्जाम कोई भी क्वालिफाई होने से नहीं रोक सकता। आप अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई ना हो इन टॉपिक को पढ़ के, तो आप मुझे बोल देना कि मैम हमने तो ये टॉपिक आपके कहने से पढ़े थे और हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, बट कंडीशन है कि आपने ये टॉपिक पढ़े हो, आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिक से आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, तो की मैं बात कर रही हूँ, बट आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ने होंगे। तो ये टॉपिक के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आपको कौन कौन से टॉपिक है जो अच्छे से पढ़ने हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने अपनी जो तैयारी है काफ़ी अच्छी की होगी, नहीं की तो वो ये टॉपिक ज़रूर पढ़ जाइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेज़।